हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आर यू रेडी टू फील कलर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स यस बेटा यू हैव टू ओके वी वर टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन, एंड बेटा वी हैव डिस्कस्ड मोस्टली फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इन आवर प्रवियस लेक्चर फॉर एग्जांपल ड्यू फ्रोस्ट फोक मिस्ट एंड द नेक्स्ट वन इज क्लाउड्स बादल जो हमारा अगला जो रूप या प्रारूप जो है आपका संघन का वो आपका है क्लाउड्स इसका मतलब अब हमें बादलों के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है उनको इसमें देखना है या उनके बारे में हमें इसमें अध्ययन या डिस्कस करना है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम देखते हैं कि क्लाउड्स जो है उनकी फॉर्मेशन या उनका निर्माण कैसे होता है तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाई द कंडनसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड न्युक्र ऑफ माइनर डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर ठीक है ना मतलब मास ऑफ माइनेट वाटर ड्रॉपलेट्स या और यू कैन से टीनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन सी एयर एट कॉन्सिडरेबल एलिवेशन कैसे निर्माण हुआ कि वायु में जो भी उपस्थित महीन जो धूल कण है उनके जो केंद्रक है बेटा उसके चारों ओर जलवाष्प है वो संगनित होने लगती है जलवाष्प मतलब वाटर वेपर ठीक है ना वो संगणित होगी तो इसका मतलब वो आपके क्या उसके होने से उसका एक झुंड बनेगा वो आपका क्या हो गया क्लाउड और मोस्टली मेघ जो या बादल जो हैं वो जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदों से बनते हैं हमने जो बादल या क्लाउड्स लिखा मीन्स मेघ उसकी छोटी छोटी बूंदों से इनका निर्माण होता है आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जो क्लाउड्स हैं मतलब मोस्ट केसेस में आपके ये आइस पार्टिकल्स उनके कारण भी हो सकता है अगर आपका टेम्परेचर है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो या यू कैन से मोस्ट क्लाउड्स आर फाउंड बाय द राइजिंग वाम एंड मोस्ट एयर कि आपकी गर्म हवा जो है ठीक है ना वो जब ऊपर उठती है या आद्र वायु जब ऊपर उठती है तो उसके ऊपर उठने के कारण क्या होगा टेम्परेचर ऊपर आपका लो होता है तो वो कंडेंस हो जाती है उसका संगणन होने लगता है कि हवा ऊपर उठती है और हमें पता है बेटा ऊपर उठने पर वो हल्की हो गई वो फैलती है एक्सपेंड करती है ठीक है ना और आपका ओशांक तक पहुंच जाता है टेम्परेचर मतलब ड्यू पॉइंट तक तो वो ठंडी हो जाती है और ठंडी हो जाने के कारण क्या होगा आपकी वो जो वाटर वेपर्स है वो आपके क्लाउड्स मतलब मेघों के रूप में संगणित होना शुरू हो जाती है ठीक है या कब होगा जब आपके कोई भी आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट एयर मासिस या टू एयर मासिस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर मतलब गर्म और ठंडी एक जैसी नहीं सेम नहीं होनी चाहिए अलग अलग ठीक है ना दो कोई भी विभिन्न तापमान वाली जो वायु राशियाँ हैं अगर वो आपस में आती हैं तो उनके मिश्रण से भी ठीक है ना उनके मिक्स होने से भी आपका ये क्लाउड से आपके जो मेघ हैं ये बनते हैं इनका निर्माण होता है ठीक अब देखिए हमें क्लासिफाई करना है क्लाउड्स के मतलब टाइप्स बताना है कि कितने प्रकार के बादल होते हैं तो बेटा हम जो बेस लेते हैं वो दो लेंगे एक बेस के अकॉर्डिंग तो हम क्या करेंगे इसमें उनको क्लासीफाई या उसके टाइप्स बताएंगे उसके हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है ना ऊंचाई के आधार पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हम इसके टेन टाइप्स लेंगे ठीक है ना ऑन द एवरेज हाइट ऑफ द क्लाउड्स या क्लाउड बेस ऊंचाई के आधार पर हम तीन भागों में बांटेंगे थ्री टाइप्स बेटा ठीक है और जो मेन आपको करना है अकॉर्डिंग टू योर एन तो उसमें हम बादलों को उनकी हाइट एक्सपेंस डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और ओपेक्नेस क्लाउड्स इसके आधार पर भी तो एक्सपेंस डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी इसके आधार पर ले तो बेटे हम इसे चार भागों में बांटते हैं ठीक है ना क्लासीफाई इन फोर टाइप्स तो जो वो जो फोर टाइप्स हैं वो फोर टाइप्स देखिए हम कर रहे हैं फर्स्ट वन बेटा देखिए सीरस इसे कहा जाता है पक्षाप मेघ नाम से ही पता चलता पक्षाप मतलब जो पक्षी जो है उसके पंखों की तरह होते हैं पक्षी के पंखों की तरह फिदर लाइक इनकी शेप होती है ठीक है ना दीज आर फोर्म्ड एट हाइट एल्टीट्यूड एट थाउजेंड टू ट्वेल्व थाउजेंड मतलब आठ हज़ार से बारह हज़ार मीटर है बेटा इसलिए मीटर ये इसमें नहीं टाइप हुआ तो मीटर आएगा दे दे आर थिन एंड डिटेस्ट क्लाउड्स हैविंग ए फिदरी अपीयरेंस एंड दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर मतलब आपको इसमें रंग नहीं भरना ठीक है ना ये कैसे है बेटा आपके वाइट कलर के हैं ठीक है ना सफ़ेद रंग के ही आपके या हम ये कहते हैं तो श्वेत वर्ण के ही आपके ये क्लाउड्स जो हैं ये होते हैं अब देखिए इनकी जो फाइबरस क्लाउड्स जो है डेलिकेट या सिल्की अपीयरेंस होती है और साथ साथ में बेटा ये मतलब जब भी मतलब इरेगुलर नज़र आते हैं अरेंज्ड जो है वो इरेगुलरली अगर होते हैं तो दे आर हार्बिंगर्स ऑफ फेयर वेदर हार्बिंगर्स मतलब स्वागत करने वाले या लाने वाले फेयर मतलब साफ मौसम को बताते हैं लेकिन अगर दे आर सिस्टमेटिकली अरेंज एज इन बैंडस और कनेक्टेड विद सीरो स्टेटस और अल्ट्रो स्टेटस दे यूजली फोर्ट एल वेट वैदर मतलब बादलों को देखकर हम मौसम का अनुमान लगाते हैं तो अगर ये व्यवस्थित तरीके से होते हैं और पट्टियों के रूप में होते हैं लेयर्स के रूप में होते हैं और आपके सीरस या फिर मध्यस्तरीय मेघा उनसे जुड़े होते हैं तो बेटे ये आदर मौसम की पूर्व सूचना देते हैं जैसे हम पहले कहते थे ना कि बहुत काले बादल हैं तो बारिश करेंगे मतलब बादलों को देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं तेज़ गति से चल रहे हैं पुरवाई चल रही है तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश करेंगे तो ऐसे ही इनकी जो अपीरियंस हैं अगर ये अव्यवस्थित बिखरे हुए नज़र आते हैं ठीक है ना तो इसका मतलब ये साफ़ मौसम है और अगर ये घुने हुए एक साथ नज़र आते हैं पट्टियों में नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये वेट वेदर को इंडिकेट करते हैं फोरकास्टिंग बेट वेदर ठीक है ना ये इस बारे में बता रहे हैं तो ये आपका कौन सा हो गया सीरस मेक जैसे आपके इसमें देखो पक्षी के पंखों की तरह है वो इसमें डेपिक रिप्रेजेंट किए गए हैं आपके इस पिक्चर में ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट कुम्बलस क्लाउड बेटा आपके जिन्हें हिंदी में कपासी मेक कहा जाता है कपास की तरह जो नजर आते हैं मतलब हिंदी में तो उनके नाम से ही क्लियर हो जाता है ठीक है ना देखिए दीज क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन रूल एंड दे आर जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ फोर्थ थाउजेंड टू टू सेवन थाउजेंड मीटर मतलब चार हजार से सात हज़ार मीटर की ऊंचाई जो है उस तक ये आपके कपासी या जो मेघ हैं या क्लाउड्स हैं वो पाए जाते हैं बेटा दे एग्जिट इन पैचेस एंड कैन बी सिंस्केटेड है एंड देयर मतलब ये इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं एक साथ नज़र नहीं आते इकट्ठा एंड दे हैव ए फ्लैट बेस इनका जो बेस या आधार जो होता है वो समतलिया समान होता है ठीक है कुमलस क्लाउड्स में ये भी है कि दे आर थिक डेंस क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट मतलब ऊपर की तरफ उठते हुए नजर आते हैं एंड द अपर सरफेस इज डोम शेप्ड विद ए कॉलीफ्लावर स्ट्रक्चर डोम शेप मतलब गुमंद की तरह होता है इसका ऊपरी जो भाग है ठीक है ना या गोभी के फूल की तरह नजर आता है जैसे आपका गोभी का फूल होता है उसमें होता है उस तरह से ठीक है ना वाइल द बेस इज नियरली हॉरिजेंटल और नीचे छत्तीस या बेस आपका वही सपाट होता है ठीक है ना और मोस्ट जो कुम्बलस क्लाउड्स है बेटा आर ऑफ फेयर वेदर टाइप ऑल दो टावरिंग कुम्बलस में डेवलप इंटू कोमलेनिमस और थंडर रेड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आपके ये जो हैं साफ मौसम रखते हैं लेकिन इनका आधार कपासी वर्षा मेघ में बदल कर तूफान भी कर लाता है या तूफानों को जन्म भी देता है ठीक है आप अब देखिए आपके पास पिक्चर है क्या हम जो फीचर्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये पिक्चर जो है ये रिप्रेजेंट कर या दिखा रही है हमने कहा बेस जो है इसका वो होरिजेंटल है देखिए इसका बेस होरिजेंटल है बेटा ठीक है ना बिखरे हुए हैं कुछ कहीं है कुछ कहीं है अलग अलग जगह नजर आ रहे हैं है ना ऊपर हमने कहा आधार इसका डोम शिफ्ट तो आपका डोम शिफ्ट नज़र आ रहा है है ना घुमंद की तरह है वो नज़र आ रहा है और रूई की तरह ही लग रहे हैं ठीक है ना गुनी रुई के नज़ार या ऊन के समान ही आपके ये नज़र आ रहे हैं तो मतलब इसकी फीचर्स जो हमने किए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आपका ये पिक्चर है वो आपको दिखा रही है दर्शा रही है शो कर रही है ठीक है ये आपके हो गए कोमुलस नेक्स्ट वन बेटा स्टेटस जिन्हें हम स्त्री में कहते हैं स्टेटस का मतलब स्टेटस मतलब स्तर के अंदर लेयर्स के अंदर जो होते हैं तो इसके स्तर बने होते हैं ठीक है ना आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई हिंदी में भी हम स्तर होंगे कि परत जो है एक समान होती है लेकिन ये निम्न नीचे होते हैं ठीक है ना दीज आर लो क्लाउड्स मतलब नीचाई पर पाए जाते हैं एग्जाम्पलिंग फोग बट नॉट रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड कि ऐसा लगता है जैसे कि फोग या कोहरा छाया हुआ है लेकिन फिर भी ये धरातल पर नहीं रुकते किसकी बात कर रहे हैं हम स्तरी मेघों की ठीक है ना पर ठहरे हुए नहीं होते और ये किरेट या प्रभामंडल भी उत्पन्न करते हैं और निम्न होते हैं और एक समान परत वाले होते हैं जो कोहरे से मिलते जुलते होते हैं इस प्रकार के जो हमें इसमें नजर आते हैं मीन्स बेटा ये धरातल के नज़दीक होते हैं हमारी पिक्चर में देख भी रहा है देखो नीचे हमें नीचे से नजर आ रहे हैं धरातल के पास ठीक है तो ये आपका हो गया स्टेटस जो अपने नाम को ही इंडिकेट कर रहे हैं एज दर नेम इम्पलीज दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई ठीक बेटा ओके okay, बच्चे नेक्स्ट पर आ जाइए आप निम्बस जिन्हें वर्षा स्त्री मेघ भी कहते हैं ठीक है ना एंड निम्बस क्लाउड्स आप ब्लैक और डार्क डे कि ये बहुत काले और घने रंग के या यूँ कह लो कि काले और गहरे रंग के होते हैं मतलब काले काले बादल हैं वो हमें दिखाई देते हैं इसका मतलब इंडिकेट करते हैं ना बारिश को कि हमें कहते हैं कि बादल आ बादल छाए हुए हैं या घटा छाई हुई है इसका मतलब बारिश होगी तो दे कोस रेनफॉल ठीक है ना दे आर डेंस शेपलेस एंड लो क्लाउड्स डेंस मतलब घने शेपलेस मतलब कोई आकृति नहीं होती हम भी देखते काला तो एक जैसा ही नजर आता है हमें उसकी कोई शेप ही नज़र नहीं आती है एंड लो क्लाउड्स मतलब निचले निचले स्तर पर ऐसा लगता है जैसे धरातल को छूने वाले हैं इतना नीचे ये नज़र आते हैं ठीक है ना और कॉमनली कॉज रेनफॉल और ज़्यादातर ये क्या असामान्यतः वर्षा लेकर आते हैं हम बात कर रहे हैं किसकी निम्बो निम्बस क्लाउड्स की बेटा ठीक है ना और दूसरा ये जो क्लाउड्स हैं एक्सट्रीमली डेंस होने के साथ साथ बेटा ओपेक टू द रेज ऑफ द सन समटाइम्स द क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड ऐसा प्रतीत होता सच में छू रहे हैं और शेपलेस होने के साथ साथ ये थिक वाटर वेपर भी रखते हैं ठीक है ना मतलब जलवास की मात्रा वो इनमें ज़्यादा होती है इसीलिए इसमें बारिश आती है तो ये हो गए आपके निम्बस क्लाउड्स अब देखिए हमने बात की थी बेटा फोर बेसिक टाइप्स जो हैं क्लाउड्स उन्हीं को हम यहाँ पे और कैटेगराइज करें थ्री पार्ट्स में मतलब उनकी एवरेज हाइट के अकॉर्डिंग ऊंचाई के आधार पर तो पहला हम जो ले रहे हैं हाई क्लाउड्स ठीक है ना हाई क्लाउड्स के अंदर हमने क्या उसके पार्ट बना दिए सिरस का सीरोस्टेटस का और सीरो कुमुलस का और आपके जो हाई क्लाउड्स से बेटा उच्च मेघ जिसे हम कह रहे हैं वो आपके पाँच से चौदह किलोमीटर ठीक है ना इतनी ऊंचाई पर आपके वह हैं पाँच से चौदह किलोमीटर ऐसे ही आपके मिडिल क्लाउड्स जो हैं मध्य जो हैं ये आपके हैं टू टू सेवन किलोमीटर दो से सात किलोमीटर और सबसे नीचे लो जो निम्न मेघ जो हैं ये आपके हैं दो किलोमीटर से भी नीचे तो दो किलोमीटर से भी नीचे हैं उसमें भी देखिए हमने लिखते हैं स्टेटो कुमुलस स्टेटस निम्बो स्टेटस कुमुलस एंड कुमुलम्बस ठीक है ना स्त्री कपासी स्त्री मेंग वर्षा स्त्री मेंग कपासी में और कपासी वर्षा मेघ मतलब देर आर सो मैनी नेम्स बहुत सारे नाम होंगे ना अब ये अच्छी तरह हमें कब समझ में आएंगे जब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम चित्र में कि सबसे नीचे कौन सा है फिर कौन सा है और विद दैट शेप्स उनकी आकृति भी उसमें साथ दी हुई है ठीक है ना हाइट भी और उनकी आकृति भी सो बेटा लुक इन द पिक्चर अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ऊंचाई के आधार पर तो देखो हमने तीन भागों में बांटा ना लो लेवल हो गया ठीक है ना ज़ीरो टू टू थाउजेंड मीटर ले लीजिए या हमने किया था दो किलोमीटर से नीचे फिर आपका मिडिल लेवल हो गया दो से आपका छः हज़ार मीटर और फिर आपका हाई लेवल हो गया तो इन तीन आधारों पर हम देख रहे हैं देर आर टेन टाइप्स आपके दस प्रकार हैं ना नीचे से देखेंगे तो सबसे नीचे देखो स्टेटस दिया हुआ है जो हमारा स्त्री में एक था हमने कहा था धरातल के नजदीक पाया जाता है फिर आपका निम्बो स्टेटस जो वर्षा करते हैं फिर आपका कोमुलस क्लाउड है ठीक है ना उर्धवाधर जो आपके पाए जाते हैं ठीक है फिर आपका स्टेटोकोमुलस क्लाउड है उसके बाद मिड पर आ जाओ बीच में जो मध्य में रहते हैं वो आपके एल्ट्रोस्टेटस एल्ट्रोकोमुलस दो हैं ठीक है और फिर हाई लेवल जो बहुत ऊँचाई पर हैं सबसे ऊंचे हैं तो इसमें सीरो स्टेटस ठीक है ना सीरो कुमलस और बेटा सीरस सबसे ऊपर पक्षाप मतलब सबसे नीचे हम जो बात करें स्टेटस ये दो जरूर ध्यान रखने हैं सबसे नीचे बेटा आपका स्टेटस है लो ठीक है ना लोव जो है आपका वो स्टेटस है और हाई जो सबसे ज्यादा आपका ऊपर है हाईएस्ट वो आपका सीरस है पक्षाप जो पक्षी के पंखों की तरह है ठीक है ना मतलब जो स्तर में है वो आपका नीचे है ठीक है ना और पक्षी है तो बेटा आसमान में उड़ रहा है इसका मतलब वो ऊंचाई तक जा रहा है तो आपका सीरस है ठीक है ना पक्षाप की तरह जो आपका नजर आ रहा है तो सबसे ऊपर सीरस सबसे नीचे आपका स्टेटस ठीक है और उसी के ऊपर आपका निम्बो स्टेटस है जो आपकी वर्षा करता है जो हमें लगता है कि धरातल को छूने वाला है ठीक है ना बारिश लाने के अंदर आपके जो सहायक होता है और सबसे ऊपर वाला आपको ध्यान ही रखना सीरस और उसी के नीचे आपका सीरो कोमुलस देखिए एक बार हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं आपका सीरस सबसे ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है बेटा ना और इसके बारे में हमने अभी भी किया था कि फीदर लाइक -like अपीयरेंस होती है ना पक्षी के पंखों की तरह नज़र आता है और एक चीज़ ये हमने अभी बताई कि सबसे ऊपर होते हैं ठीक अब नेक्स्ट पर आ जाइए सीरो कुमुलस सीरो कुमुलस जो इन्हें पक्षा कपासी में एक भी कहा जाता है ठीक है ना In these दीज क्लाउड as small स्मॉल flakes फ्लेक्स और स्मॉल masses मासिस यूजली विदाउट शेडोज मतलब इनकी परछाई या इनकी छाया नहीं होती और छोटे गोला रूप में दिखाई देते हैं और ये समूहों में रेखाओं में ठीक है या आप ये कह सकते हो कि इन ग्रुप्स होते हैं लाइन और रिपल्स रिजल्टिंग फ्रॉम अंडुलेशन ऑफ द क्लाउड शीट कि जैसे कि चादर जो होती है चादर के ऊपर आप देखते हो तो सिलवटें पड़ जाती है वो इकट्ठी हो जाती है तो आकाश के अंदर भी ये इसी तरह से नज़र आते हैं कि चादर जो है उसके अंदर सिलवटें पड़ी हुई हैं इसलिए इस पोजिशन या ऐसे जो नज़र आती है शेप को हम जो बोलते हैं वो मैकरल बोलते हैं ठीक है ना ये जो शेप है सच एन अरेंजमेंट कह सकते हो आप इस कार मैकरल स्काई इसे मैकरल आकाश कहा जाता है किसकी बात की बेटा हमने सीरो कोमुलस की अब नेक्स्ट पर आ जाइए ठीक है ना सीरो स्टेटस सीरो स्टेटस जो है बेटा ये आपके क्या है स्त्री मेघ है ये बहुत थिन या वाइटिश शीट होती है ऑफ क्लाउड कवरिंग द वोल स्काई एंड गिविंग इट ए मिल्की अपियरेंस इस कार्ड स्टेटस मतलब ये ऐसा लगता है जैसे पूरे आकाश को घेरते घेरते वैसे नजर आते हैं और इसीलिए इनकी शक्ल जो है वो भी दूध जैसी होती है इसलिए इन्हें पक्षावस्तरे में कहा जाता है ठीक है ना और ज़्यादातर ये तूफान का लक्षण देते हैं इनकी बात की हमने सीरो स्टेटस की मतलब हाई क्लाउड्स आपके तीनों हो गए एक पक्षी के पंखों की तरह सीरस नजर आ रहे हैं दूसरा आपका सीरो कोमुलस जो है वो सिलवटों की तरह नजर आ रहे हैं मैकरल स्काई और जो आपका तीसरा जि जिसके हम बात कर रहे हैं ठीक है ना ये तूफान का लक्षण देते हैं ठीक है ना अब मिड लेवल पर आ जाइए जो आपका दो से आपका छः मीटर तक है टू टू तो सिक्स ठीक है इसमें देखिए देर आर टू दो हैं आपके फर्स्ट एल्टो कुमुलस एंड दीज आर फ्लैटर्ड ग्लोबुलर मासिस ऑफ क्लाउड अरेंज इन लाइन्स और वेव्स मतलब बेटा ये रेखाओं में या तरंगों की तरह नजर आते हैं और गोलाकार मेघ होते हैं और पक्षाब जो कपासी मेघ है उससे थोड़ा अलग होते हैं इनकी आकृति विशाल भी होती है और इनकी छाया जो है वो अक्सर भूमि पर दिखाई भी देती है किसकी अल्टोकोमुलस की ना जिसे हम क्या कह रहे हैं आपके मध्य मध्यपासी मेघ नेक्स्ट देखिए अब आप अल्ट्रोस्टेटस जिसे हम मध्य स्तरीय कह रहे हैं ये या तो बेटे ब्राउन होते हैं मतलब आप ये एक ग्रे और ब्लू ब्लूइश इन कलर एंड यूजली हैविंग अ फाइबरस स्ट्रक्चर बिलोंग टू दिस ग्रू ठीक है ना एंड मर्स ग्रेजली विद आपके सीरो स्टेटस कि इनका जो मतलब संरचना जो है वो तंतुनुमा होती है और ये धीरे धीरे पक्षापस्तरी मेघ में बदल जाते हैं किसकी बात की हमने मध्य मध्यस्तरी मेघ की या फिर आपके अल्ट्रो स्टेटस की और इन साधारणतया बहुत दूर दूर तक और लगातार वर्षा है वो दिखाई देती है मतलब इनसे वर्षा होती है मध्य स्तरीय मेघों से ठीक ये आपके थे बेटा मिड लेवल के ना अब आ जाइए लोवस सबसे नीचे लो लेवल का अब लो लेवल के अंदर सबसे नीचे आपका स्टेटस है हम ऊपर से आ रहे हैं तो ऊपर से ही चलिए ऊपर है आपका बेटा स्टैटोकोमुलस और स्टैटो कोमुलस हिंदी में हो जाएगा स्त्री कपासी मेघ ये आपके जो है मतलब आप ये कह सकते हो कि सॉफ्ट ग्रे क्लाउड्स होते हैं विद ब्राइटर इंटरस्टिक्स बिलोंग टू दिस ग्रुप ठीक है ना द मासज आर कॉमनली आर रें रेगुलर पैटर्न मतलब जो साधारणत व्यवस्थित होते हैं और इनके जो चम मतलब गोलाकार समूह जो है वो चमकीले अंतराल के साथ दिख जाते हैं हमें या दिखाई देते हैं ठीक अब इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए सेकेंड आपका दे रखा बेटा कोमुलस ये भी हमने किया था ठीक है ना कोमुलस जो है हम ये पहले कर चुके हैं कोमुलस कपासी मेक जो आपका है ये सेम हमने पूरा किया था कपास की तरह आपके जो नजर आते हैं या गुनी हुई रुई की तरह जो आपके नज़र आते हैं ठीक है और हमने ये भी किया था डोम शेप स्ट्रक्चर है या बेस होरिजेंटल होता है या एक और था आपका कि इनका मतलब गोभी के फूल की तरह कलीफ्लावर की तरह नज़र आते हैं ओके कम टू द नेक्स्ट अब उसके नीचे आ जाइए बेटा नेक्स्ट आपका दे रखा है कुमोलो निम्बस ठीक है ना इन्हें कपासी वर्षा कहा जाता है कपासी वर्षा में और ये जो है ये आपके बहुत हैवी मासेज ऑफ क्लाउड विद ग्रेट वर्टिकल डेवलपमेंट मतलब आप देखोगे ना नीचे से ऊपर तक जो फैलते हमें नज़र आ रहे हैं यही है जैसे कि वर्टिकल मतलब ऊपर ऊंचाई तक हमें नज़र आते हैं ठीक है ना एंड मीट्स राइज लाइक माउंटेन्स और टावर्स इज कॉल्ड गुमन मतलब नीचे से ऊपर तक तो पूरा जो फैला हुआ ये आपका यही है कि विशाल आकार में हमें ये नज़र आता है इसकी विशेषता ऊपरी भाग का निहाई आकृति का होना नेक्स्ट वन बेटा आपका जो है निम्बो स्टेटस या जिसे हम निम्बस हमने जो पहले किया था ठीक है ना वर्षा स्त्री में एक जो थे हमने क्या था शेपलेस थे बिखरे हुए थे है ना और लगातार वर्षा करते रहते थे ठीक है ना और लो भी थे हमें लग रहा था कि रेड लेयर्स ऑफ फ्लो क्लाउड्स जो थे शेपलेस एंड ऑफन रेड लेयर्स ऑफ लो क्लाउड्स बिच कॉमनली कोस कंटिन्यूस रेनफॉल ओके अब नेक्स्ट लास्ट पर आ जाइए बेटा स्टेटस स्त्री मेघ जो सबसे नीचे हैं और हमने इंडिकेट किया था स्टेटस मतलब स्टेटस स्तर के अंदर है इसीलिए इसके स्तर या लेयर्स होती हैं तो ये निम्न भी थे मतलब नीचे भी थे एक समान परत वाले भी थे और कोहरे से मिलते जुलते भी थे और हमने किया था बेटा भूपृष्ठ पर नहीं ठहरते थे है ना यही किया था ना लो यूनिफॉर्म रिजेंबलिंग फोक बट नॉट रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड थिन स्टेटस क्लाउड्स प्रोड्यूस है कोरोना जो प्रभा मंडल को भी बताते थे तो ये आपके क्या हो गए आपके टेन टाइप्स हो गए इन तीन के आधार पर लो मिड और हाई जिसमें से दो चीज़ें विशेषकर याद रखनी है सबसे नीचे स्टेटस है और सबसे ऊपर आपका सीरस है और नीचे से ऊपर तक जो पूरा है आपका निहाई शेप के अंदर हमने जो बात की थी ना वो आपका कोमोलोनबस ये याद रखना है आपको मतलब मीन्स जिसकी शेप जो है वो इन एनविल होती है निहाई होता है बेटा एनविल शेप्ड टॉप ठीक सो so, बेटा जी बादलों में रंग भरने का काम अब पूरा हो गया है इनको लर्न कीजिएगा ओके